नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। महाराणा प्रताप के 483वें जन्मोत्सव पर देपालपुर में रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्व राजपूत समाज एवं महाराणा प्रताप उत्सव समिति के आह्वान पर नगर में शौर्य यात्रा निकाली गई, जो कि गौतमपुरा नाके से शुरू होकर मंगलेश्वर मार्ग, विजय स्तंभ चौक, चमन चौराहा, इंदौर नाका होते हुए महाराणा प्रताप प्रतिमा चौक पहुंची। नगर में निकाली गई शौर्य यात्रा में राजपूत समाज के युवा आगे आगे घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। इसके पीछे समाज के अन्य लोग राजपूती वेशभूषा पहनकर चल रहे थे। शौर्य यात्रा में 3 DJ, 1 बैंड बाजा चल रहे थे, जिनमें गायक राजपूती गीतों का गाते हुए चल रहे थे। शौर्य यात्रा में सबसे पीछे महाराणा प्रताप के चित्र की झांकी सजाई गई थी। हिंदू संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने यात्रा का कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शौर्य यात्रा का समापन पर आमंत्रित अतिथियों द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महाराणा प्रताप प्रतिमा चौक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृष्णा सिंह पटेल, पूर्व राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह सोलंकी, बाबू सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी, मोहन सेंगर आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की उस समाज से हैं जिसने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। शेर सिंह सोलंकी ने इस कार्यक्रम के लिए मंच के माध्यम से आयोजन समिति को बधाई दी। इस दौरान विजय सिंह परिहार, श्रवण सिंह चावड़ा, गुमान सिंह पवार, पवन सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह राजपूत, दिलीप सिंह पवार, दीपक सिंह पवार, कुमारी ईश्वर सिंह राठौर, जितेंद्र सिंह, विजय सिंह, बंटी ठाकुर, अंतर सिंह, रोहित सिंह फरकौदा आदि उपस्थित थे। कई जगह हुआ स्वागत। निरल मनोज पटेल मित्रमंडल, मलखान सिंह सोलंकी मित्रमंडल, फुल सिंह दरबार मित्रमंडल, अर्जुन बाथम मित्रमंडल, नगर भाजपा देपालपुर, वैश्य समाज देपालपुर, पवन सिंह पटेल मित्रमंडल, राधेश्याम पटेल मित्रमंडल, भाजपा युवा मोर्चा मंडल देपालपुर, रोजगार सहायक संघ देपालपुर, आम आदमी पार्टी, रामेश्वर गुड्डा पटेल मित्रमंडल द्वारा कई जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप उत्सव समिति के निमित्त आज सभी भाइयों और राजपूत समाज द्वारा भविष्य यात्रा का आयोजन किया गया है। वह समाज को एकता व अखंडता का संदेश दिया गया है। आपका सुना कुंवर ईश्वर सिंह राठौर, सुमठा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।